सो गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि अंडर 30 के भी रियलमी X7 Max अच्छा है या OnePlus Nord 2 अच्छा है, तो हमने इनकी समस्याओं को काफी गंभीरता से लिया, बिल्कुल अपने दिल से लगा के लिया है। तो आज जो है इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे कि रियलमी X7 Max अच्छा है या OnePlus Nord 2 अच्छा है, आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए आज हम आपको बताएंगे। कात्या समझाओ इन्हें कि वीडियो पूरा देखे, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे फिर दोबारा से कमेंट करेंगे, बोलेंगे हमें समझ नहीं आया, ऐसे कैसे जीतेंगे आपा जंग। सो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए पता लगाते कौन सा बेस्ट है। नाउ गाइस यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही लंबी सी सूची हमने यहां पर बना दी है, फैमिली मैन वाली सूची नहीं, यहां पर लिस्ट वाली सूची है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर किए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट करके बताया कि ये पॉइंट्स भी कवर कीजिए, तो ये करके जो है हमने ये इतने ज्यादा पॉइंट्स बन गए हमारे, लाइफ ही खराब हो गए। ओके मैं यहाँ पर पॉइंट बताता जाऊंगा, आप जो है अपने हिसाब से आपकी जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है उसे कंसीडर करके उस फोन को लीजिएगा। लास्ट में मैं कंक्लूजन भी बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर प्राइसिंग। जी हाँ दोस्तों, प्राइसिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर रियलमी X7 Max आपको 25,000 या उससे कम में देखने को मिल जाता है, वहीं पे OnePlus Nord 2 ऑफर वगैरह लगा के 28,000 तक आपको देखने को मिल जाता है। सो 25 से 28,000 ये जो 3,000 का फर्क है, ये एक्चुअली में ज्यादा पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, अब जो है इसके बारे में विस्तार से बातें करते हैं। नाउ गाइस यहां पर सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है इनके वस्त्र और बिल्ड क्वालिटी। तो सबसे पहले बात करें वस्त्र की, तो यहां पर जो है रियलमी X7 Max आपका पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग के साथ आ जाता है जो कि यहां पर इसको थोड़ा सा लाइट वेट बनाता है, वहीं पर जो है OnePlus Nord 2 जो है आपके यहां पर ग्लास बैग के साथ आता है एंड काफी प्रीमियम फिनिश के साथ आता है। आप देख सकते हैं यहां पर OnePlus का जो है लुक टोटली अलग दिखाई देता है, बिल्कुल जो है ऐसा लगता है चांद जो है बिल्कुल साक्षात हमारे सामने प्रकट हो चुका है। ऑल्दो मुझे प्लास्टिक से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर प्रीमियम फील के बारे में बात करें तो डेफिनेटली OnePlus Nord 2 के साथ आपको ज्यादा प्रीमियम फील आएगा अगर आप ऐसे ब्रांड शो ऑफ करना चाहते हैं। लाइक फोन में बात करते करते आपका हाथ जो है लोगों के नीचे ऐसे पकड़ा रहता है ताकि लोगों को वो जो है लोगो दिख जाए, तो आप जो है OnePlus Nord 2 के साथ जा सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर जो इस सेगमेंट में जो है पॉइंट में देना चाहूंगा OnePlus Nord 2 को, ज्यादा प्रीमियम फील यहाँ पर होता है इसको हैंड में होल्ड करते टाइम। नाउ गाइस यहाँ पर अगला पॉइंट आता है ब्लोटवेयर। ब्लोटवेयर माने अननेसेसरी एप्स। तो यहाँ पर दोनों में ही कुछ गूगल के अननेसेसरी एप्स देखने को मिल जाते हैं जिसे हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, यूट्यूब म्यूजिक हो गया, बट यहाँ पर रियलमी में आपको कुछ रियलमी के एडिशनल एप्स देखने को मिल जाते हैं जैसे फिनशियल पे वगैरह हो गया, यहाँ पर हॉट एप्स वगैरह हो गया, इनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। वहीं पे OnePlus के केस में ऐसा नहीं है, OnePlus के गेम सेंटर को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, OnePlus कम्युनिटी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, OnePlus क्लोन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहां पर OnePlus के केस में आपको कम ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, सो ये पॉइंट भी जाता है OnePlus के खेमे में। तो यहां पर बात करें कॉल क्वालिटी की या नेटवर्क क्वालिटी की, तो यहां पर जो है दोनों ही फोन में कोई भी दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली है। दोनों फोन को मैंने एज ए प्राइमरी फोन यूज किया है, तो यहां पर कॉल के टाइमिंग में कोई भी यहां पर जो है ग्लिच वगैरह नहीं होता, ना ही यहां पर किसी की आवाज में जो जाने में है दिक्कत हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। माइक्रोफोन भी अच्छे खासे दोनों में, एंड वहीं पे जो है यहां पर अगर हम बात करें कॉल रिकॉर्डिंग की, तो दोनों में ही गूगल डायलर देखने को मिल जाता है। सो कॉल रिकॉर्डिंग ना के बराबर ही समझिए, क्योंकि जैसे ही आप कॉल रिकॉर्डिंग का बटन दबाएंगे वो बोलेगा बेटा हमने दूसरे वाले को भी बता दिया है कि तुम कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। अच्छा बच्चू, हमें यहाँ पर दूसरे वाले को ही बताना होता तो हम कॉल रिकॉर्ड क्यों करते, इनके गूगल का कॉल रिकॉर्डर। नाउ यहाँ पर बात करें डिस्प्ले की, तो दोनों में ही अच्छी खासी आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 6.43 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। बट यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर कुछ पॉइंट्स है जिनमें हम जो है पॉइंट्स डेफिनेटली देंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पर रियलमी X7 Max में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है स्क्रीन का, वहीं पर Nord 2 में मैक्सिमम रिफ्रेश रेट जाता है 90 हर्ट्ज का। तो यहां पर एक प्लस पॉइंट चले जाता है रियलमी X7 Max के पास, आपको यहां पर जो है थोड़ा ज्यादा रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। ऑल्दो आप अगर 90 और 120 यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, आप अगर रेगुलर यूजर है तभी आपको वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। 90 से 144 हर्ट्ज होता तो शायद यहां पर ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता। उसके बाद यहां पर एक और पॉइंट आता है टच सैंपलिंग रेट। जी हां दोस्तों, ये गेमिंग के टाइम में काम आता है कि आपका रिस्पॉन्सिव टाइम कितना कम होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा।
रहा होगा, तो इसमें भी जो है आपको Realme X1 Max में 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन यहां पर कमाल बात है। बट अगेन मैं बोलना चाहूंगा, गेमिंग जो है मैंने दोनों से की है, दोनों में ही मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। बट अगेन यहां पर पेपर वर्क जो है Realme X1 Max ने ज्यादा किया है, तो Realme X1 Max को हम ये पॉइंट देते हैं। उसके बाद यहां पर बात करते हैं ब्राइटनेस के बारे में। तो ब्राइटनेस जो है दोनों में ऑलमोस्ट सेम लगी, आप देख सकते हैं यहां पर जो है वीडियो में बिल्कुल लग रहा है कि दोनों जो है भाई बहन, बिल्कुल प्यार यहां पर बट रहा है। दोनों में ऐसा सच मुझे कोई फर्क इतना बड़ा दिखा नहीं, बट यहां पर कभी कभार इंडोर लाइटिंग में जो है Realme X1 Max थोड़ा सा हल्का सा इत्तू सा जो है बेटर परफॉर्म कर लेता है, एंड वहीं पे आउटडोर में जो है OnePlus Nord 2 जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर देता है, अंटिल एंड अनलेस आपने बैटरी सेवर को ऑन नहीं किया। बैटरी सेवर ऑन रखेंगे तो ब्राइटनेस थोड़ी सी ऑटोमेटिकली वो कम कर देता है, तो इसमें जो है हम पॉइंट दोनों को ही देना चाहेंगे। यहां पर उसके बाद बात करें तो एक मोटर होती है आपके फोन के अंदर जिसे हम हैप्टिक मोटर्स के नाम से जानते हैं। वाइब्रेशन के टाइम पे वो फील होती है, मतलब आप टाइपिंग कर रहे हो या गेम वगैरह खेल रहे हो तो वो मोटर जो है आपको फील होती है, एंड ये मोटर ऑफ कोर्स बेटर है OnePlus Nord 2 में। OnePlus Nord 2 में मेरे को यहां पर आईफोन के कंपैरिजन का वो मोटर लगा है, क्योंकि यहां पर मेरे पास आईफोन 11 भी है, इसकी हैप्टिक्स तो भैया अलग ही लेवल की, हर कोने में जो है अलग अलग यहां पर वाइब्रेशन हमें जो है फील होती है। उसी टाइप की वाइब्रेशन मुझे यहां पर OnePlus Nord 2 में लगी। Realme X7 Max में भी अच्छा है बट OnePlus जितना अच्छा नहीं है, सो ये पॉइंट जाता है OnePlus के पास में। अगला पॉइंट आता है यहां पर साउंड के डिपार्टमेंट। बहुत सारे लोगों को संगीत पसंद है, दिन रात सुबह शाम सोना जो ना मानो सोना के साथ जो है गाने सुनते रहते हैं, तो यहां पर जो है गाने का संगीत का जो है ज्यादा ध्वनि आपको यहां पर OnePlus Nord 2 में सुनने को मिलती है। OnePlus Nord 2 के साउंड में थोड़ा बहुत यहां पर बेस भी एडेड है, वहीं पर Realme X1 Max की आवाज जो है लाउड है बट यहां पर बेस बहुत कम देखने को मिलता है। बट ओवरऑल OnePlus Nord 2 का यहां पर अच्छा खासा आपको साउंड आउटपुट देखने को मिलता है, जैसे कि आप सब सुन सकते हैं। अब सो ये पॉइंट जाता है OnePlus के पास। सो नाउ गाइज यहाँ पर अगला पॉइंट आता है जैक भैया टाइटैनिक के टाइम पे डूब चुके थे, लेकिन यहाँ पर जो है कंपनी वालों ने अभी भी जो है हेडफोन जैक को जिंदा रखा है। Realme X7 Max वालों को सभी के सभी हम जो है पप्पी देंगे, ताकि जो है उन लोग को ये पता चल सके कि हेडफोन जैक हमारे जीवन में कितना ज्यादा मायने रखता है। सो यहाँ पर Realme X7 Max में आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है, OnePlus Nord 2 में नहीं देखने को मिलता है। बट OnePlus Nord 2 में आप सी टाइप कनेक्टर ऑक्सिलरी केबल वाली लगा के जो है यूज कर सकते हैं। मैं यूज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है, बट स्टिल हेडफोन जैक इज अ हेडफोन जैक। सो यहाँ पर पॉइंट जाता है Realme के खेमे में। OnePlus वाले कॉर्ड की लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ यहाँ पर अगला पॉइंट आता है फिंगरप्रिंट का। दोनों में ही जो है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, सो यहाँ पर जो है आप अपने अंगूठा छाप होने का बिल्कुल यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। आप जो है सिंपली अंगूठा लगा के इसे अनलॉक कर सकते हैं या दूसरी उंगली लगा के भी, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ये अनलॉक कर देता है, तो दोनों को ही यहाँ पर पॉइंट जाएंगे। फेस अनलॉक को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है। तो आपको बता दूँ दोनों में ही सेम जो है फेस अनलॉक आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है भैया, यहाँ पर जो है गेम चेंज होना स्टार्ट होता है। तू मेरा तोतला भाई, तू मेरी नतल तलता है। कैमरा के डिपार्टमेंट में बात करें तो यहाँ पर जो है OnePlus Nord 2 बहुत अच्छे मार्जिन से आगे निकल जाता है। OnePlus Nord 2 में वही सेम सेंसर यूज हो रहा है जो इन लोगों ने वो अपने OnePlus 9 और 9R में यूज किया था, जो 40-50 हज़ार के आपको देखने को मिलते हैं। सो OnePlus Nord 2 का जो मेन कैमरा है उसमें आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब कि वीडियो जो बनाते टाइम आपको जो शेकीनेस होता है वो बिल्कुल यहाँ पर मिनिमलाइज हो जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो सैंपल मैं आपको दे देता हूँ तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एंड वहीं पे अगर हम बात किए रहे यहां पर फोटो क्वालिटी की, तो फोटो क्वालिटी भी यहां पर OnePlus Nord 2 में ज्यादा बेटर निकल के आती है। मैंने जो है इन डेप्थ जो है कैमरा रिव्यू किया हुआ है दोनों का आईफोन 11 के साथ कंपेयर करके, तो आप उस वीडियो को यहां पर आई बटन में जाके देखिए, आपको सारे डाउट जो है उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल यहां पर भी कुछ सैंपल्स मैं आपको दे देता हूं। सो डेफिनेटली यहाँ पर कैमरा के सेगमेंट में OnePlus Nord 2 काफी अच्छा परफॉर्म करता है। फ्रंट में भी आपको 32 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है OnePlus Nord 2 में। सो अगेन आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कैमरा का, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या फोटोज वगैरह के जो बहुत ज्यादा शौकीन है, जानू मोना के साथ यूं आड़ी मेड़ी तेड़ी शक्ल करके पान वान खा के तंबाकू चबा के जो है फोटो खींचना चाहते हैं,
आप OnePlus Nord 2 के साथ जा सकते हैं। सो ये पॉइंट जाता है OnePlus Nord 2 के खेमे में। भैया फुल मौज में बन रही है वीडियो, कसम से बहुत मजा आ रहा है। नाउ अगला पॉइंट आता है UI पे। तो एक में आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम या Realme UI 2.0 देखने को मिल जाता है, दूसरे में ऑक्सीजन OS जो अब यहाँ पर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में तब्दील हो रहा है। तो दोनों जो है काफी अच्छे खासे ऑप्टिमाइज है, बट यहाँ पर स्टिल अगर बात किया जाए कि दोनों में से एक पिक करना है, दोनों में बोलूंगा 19-20 का फर्क होगा, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होंगे, तो मैं जो है ऑक्सीजन OS को डेफिनेटली सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन OS काफी ज्यादा स्मूथ है, बट Realme जो है अब के टाइम में काफी ज्यादा यहां पर इंप्रूव कर रही है, बट स्टिल आई विल चूज ऑक्सीजन OS, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे जीवन के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे जानू मोना शोना की पप्पी के लिए कट जरूरी है। सो UI के मामले में ऑक्सीजन OS को पॉइंट जाता है। नाउ भैया अगला पॉइंट आ जाता है जिन लोग रुके हुए थे अभी तक गेमिंग एंड परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पर जो है दोनों में ही आपको MediaTek के 1200 Dimensity का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। अगर यहाँ पर बात की जाए गेमिंग की, तो गेमिंग भी जो है आपको दोनों में ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। OnePlus Nord 2 में यहाँ पर आपको HDR में 60 का सपोर्ट अब तक देखने को नहीं मिला, बट ये जो हमने लिख के दे चुका है आपको मिलेगा आने वाले एक दो अपडेट का, वेट कर लीजिए। BGMI वाले जो कंपैटिबल कर देंगे डेफिनेटली इस चीज को, सो आपको वेट करना है, एंड यहां पर आपकी सारी सेटिंग्स अनलॉक होने वाली, इवन अल्ट्रा HD भी अनलॉक होने वाली है। सो गेमिंग एंड परफॉर्मेंस के मामले में दोनों को ही पॉइंट्स देना चाहूंगा, दोनों ही जो है एक से बढ़कर एक हैं। बट अगर अभी भी आप संतुष्ट नहीं हुए, तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है दोनों के परफॉर्मेंस के बीच की, आप उस वीडियो को यहां पर आई बटन जाके जरूर देखिए, बाकी के डाउट आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे। जो है यहां पर पॉइंट आता है बैटरी बैकअप का। जी हां दोस्तों, हम अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे, जानू मानू से कॉल पे बात करेंगे, पापा से जो है बात करेंगे, या यहां पर कुछ भी अतरंगी सतरंगी चीजें देखेंगे, मौसमीदार रंगीनियां मचाएंगे रात में, तो इसके लिए हमारा बैटरी बैकअप चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बैटरी बैकअप यहां पर जो है मैं बोलूंगा दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाता है, 4500 mAh की बैटरी दोनों में देखने को मिलती है। पर UI पे डिपेंड करता है कि बैटरी कितना अच्छा होगा, थोड़ा बहुत UI यहां पर OnePlus का ज्यादा बेटर है, तो थोड़ा बहुत आपको ज्यादा अच्छा जो है आपको बैटरी बैकअप OnePlus Nord 2 में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा नहीं, बोल लीजिए 10-20 या 30 मिनट तक का आपको मैक्सिमम ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम OnePlus Nord 2 में देखने को मिल जाएगा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, बट Realme इज ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मेरे को दोनों में ही बैटरी की कोई शिकायत नहीं है, सो ये पॉइंट जो है मैं दोनों को ही देना चाहूंगा। भैया बैटरी तो हमने पूरी खा ली, अब चार्जिंग के टाइम पे आती है असली मजा, क्योंकि चार्जिंग होने में हमें ज्यादा टाइम वेट नहीं करना है भैया, अगली पार्टी को हमने रिप्लाई करना है, बहुत नॉटी हो रहे। सो चार्जिंग के मामले OnePlus Nord 2 इज अ क्लियर विनर। OnePlus Nord 2 जो है 30 मिनट के अंदर आपका पूरा 100% चार्ज कर देता है, 0 से 100 30 मिनट में, बहुत तेजी से कर देता है भैया। उसी तरह Realme XN Max जो है आपका बोल लीजिए 45 से 55 मिनट के बीच में जो है आपका फुल चार्ज करता है, 50 एवरेज पकड़ के चल सकते हैं हम। सो यहां पर एक एडवांस चेंज मिलता है कि आप 30 मिनट के अंदर अपना पूरा फोन चार्ज कर लेते हैं OnePlus Nord 2 में। सो ये पॉइंट जाता है OnePlus के खेमे में। हालांकि यहां पर वीडियो में खत्म कर देता, बट कुछ दिन पहले ही एक और खबर निकल के आई है कि OnePlus Nord 2 का कर्नल सोर्स रिलीज हो चुका है, मतलब आने वाले टाइम में भैया आपको कस्टम रोम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। Realme वालों को बहुत पहले ट्विटर पे जो हमने टैग करके बोला था भैया कर्नल सोर्स रिलीज करो, उन्होंने बोला हम आपकी समस्या को गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से लेने के बाद भूल जाएंगे इनकी कंट्रोल। अगर आप कस्टम रोम के पर्सपेक्टिव से फोन लेना चाहते तो OnePlus जो है यहां पर पॉसिबिलिटी है कि आपको आने वाले टाइम में कस्टम रोम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, आप उस वीडियो को यहां पर आई बटन में जाके जरूर देखिए। सो ये पॉइंट जाता है OnePlus के खेमे में कस्टम रोम वाला। भैया बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए, वीडियो भी लंबी बन चुकी है, बट अब आ जाते हैं कंक्लूजन में। भैया सीधे कंक्लूजन में डुबकी मारेंगे हम ना, यहाँ पर सीधे सीधे बात करते हैं। दो टाइप के लोग होते हैं, एक जिनका बजट जो है बिल्कुल एक्सटेंड नहीं हो सकता, जितने में लेना है उतने के ही लेंगे, एक जो है थोड़ा बहुत बजट एक्सटेंड कर सकते हैं उनको अगर कुछ अच्छे फीचर्स देखने को मिले। तो यहाँ पर जिनका बजट एक्सटेंड नहीं हो सकता, 25,000 या 25,000 से कम है, 20,000 21,000 एक्सचेंज के साथ लेते हैं फोन, तो आप Realme X7 Max के साथ जाइए बेधड़क होके। एंड आपके लिए कैमरा इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, फोटोज नहीं लेते, वीडियोज नहीं लेते, तो यहां पर जो है आप Realme X7 Max के साथ जा सकते हैं बेधड़क होके, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट वहीं पे अगर आप 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके आपको एक अच्छा कैमरा मिल रहा है भैया, आप उससे अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह जहां भी डालते हैं डाल सकते हैं या मेमोरीज बना सकते हैं, तो जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं OnePlus Nord 2 में। काफ़ी अच्छा कैमरा मिलता है एंड ओवरऑल भी जो है आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। अगर बात करें मेरी, तो मैं डेफिनेटली OnePlus Nord 2 लूंगा एनी डे 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा डाल के, क्योंकि उसमें जो है बेटर क्वालिटी का कैमरा मिल जाता है। उस कैमरे को मैं
डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज कर पाऊंगा। सो टोटली डिपेंड करता है आपके यूसेज पे। कैमरा प्रायोरिटी नहीं है एंड आपको ओवरऑल सस्ता फोन चाहिए थोड़ा सा, तो आप Realme X1 Max से जाइए। अदरवाइज थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं तो OnePlus Nord 2 लीजिए, संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, बिल्कुल ऑर्गेनिज्म आपका हो जाएगा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? सो गाइस फाइनली यहाँ पर जो है हमारी वीडियो हो चुकी कंप्लीट। आई होप सो वीडियो आपके लिए एंटरटेनमेंट रही होगी, कोशिश हमने बहुत किया है। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए, कुछ आप सुझाव देना चाहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे, मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धसफड़ वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी पूरी वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं किया तुम लोगों ने। सो गाइस यहाँ पर आज का विचार काफी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। पा लेने की बेचैनी या खो देने का डर, पा लेने की बेचैनी या खो देने का डर, यही तो है जिंदगी का सफर।